600 रुपये का वो प्रोडक्ट है, उसमें 50% ऑफ वो दे रहे हैं, 300 रुपये में आपको हाई क्वालिटी एक यू नो पीलिंग सॉल्यूशन कैसे मिल सकता है। हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो रिसेंटली ऑन वन ऑफ माय वीडियोस, वन और टू थ्री वीडियोस, फ्यू पीपल हैव कमेंटेड दैट प्लीज़ रिव्यू डर्माको का पीलिंग सॉल्यूशन। एंड देन इन रिवर्ट मैंने उनसे पूछा व्हाई यू वांट टू यूज़ दिस, डू इवन नो कि इसमें है क्या, एंड दे वर लाइक व्हाई, व्हाट्स रॉन्ग इन दैट। सो I'm here to answer why I'm not gonna invest or you would say waste my money on that product. And साथ के साथ I'm gonna tell you how you can avoid skin burn with glycolic acid. Now in those comments जो मुझे आए थे उनमें से मैंने कुछ से पूछा, do you even know कि उसमें है क्या, they were like no, क्या है उसमें, what's the issue in that? So guys, if you see the product, वहाँ पर आपको concentration में लिखा होता है 10% glycolic acid, 10% lactic acid and 10% some other acid. So, and 2% salicylic acid, like BHA, right? So it's 30% AHA and 2% BHA, like alpha hydroxy acid 30%, beta hydroxy acid 2%. Now if you know ki chemical exfoliation kya hai, ye alpha hydroxy acid, BHAs, ye kya hai, then it's fine. But if you're a beginner and if you don't know anything about this, then I have already made a video, science behind skincare mein chemical exfoliation pe, basically, puri ek full dedicated video hai. Yahan link de dungi, niche description mein aapko link mil jayega, us video ke baad check kar lena, aapke sare doubt clear ho jayenge, theek hai? So coming back to 30% and 2%, okay? So guys, we are Indians, okay? And हमारा जो melanin production है वो ज़्यादा होता है, that's why हम लोग ज़्यादा you know जो हमारा skin color होता है वो थोड़ा neutral tone में होता है, हम ज़्यादा fair नहीं होते, in short अगर वो बात समझ में आती है तो we are not that fair, हम बाहर के जो लोग हैं उनके जैसे नहीं हैं, like foreigners की तरह हम नहीं हैं, we are not very very fair, because उनके अंदर मेलानिन कम होता है और हमारे अंदर मेलानिन ज़्यादा होता है, दैट्स वाई जो इंडियन स्किन है दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर कंट्रीज़ की जो स्किन होती है, जो गोरी चिट्टी स्किन होती है उसके कंपैरेटिवली हमारी जो स्किन होती है उसमें मेलानिन ज़्यादा होता है, राइट? नाउ हमारी जो स्किन है दैट इज़ मोर प्रोन टू स्किन इरिटेशन एंड मोर प्रोन टू स्किन बर्न विद द एसिड्स, राइट? सो ये जो आप सोल्यूशन की बात कर रहे हो ना, दिस 30% AHA, नाउ जो एक रिकमेंडेड डोज होती है फॉर बिगिनर्स और फॉर यू वुड से इंडियन स्किन के लिए, द सेफेस्ट कॉन्सेंट्रेशन फॉर द ग्लाइकोलिक एसिड इज़ लेस देन 5%। आई नो 10% इज़ फाइन, जो एक यू नो FDA की रिपोर्ट्स में है और जो एक सेफेस्ट कॉन्सेंट्रेशन जो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं दैट इज़ 10%। आई नो दैट, बट यू सी हेयर यू आर यूजिंग 10% ग्लाइकोलिक एसिड, 10% लैक्टिक एसिड एंड 10% सम अदर एसिड, आई एम रियली सॉरी आई एम फॉरगेटिंग, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे डाल दूंगी, ठीक है? तो इसके अंदर आपको ये 30% तो आपको AHA मिल रहा है, विच डेफिनेटली गोना इरिटेट योर स्किन। नाउ इफ यू हैव अ सेंसिटिव स्किन देन सोचो कि आपकी स्किन पे ये क्या करेगा। सो आई एम अ बिग एंटी, I would say big no to this product and I'm a big anti for these high concentration, okay? Now I'm gonna come to the points जो मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, so that you know मैं कुछ भी missed out ना करूँ, okay? So I'm gonna tell you the right way to use the glycolic acid. Now few months back I have shared an incident जिसमें मैंने आपको बताया था कि I got acid burn. So उस चीज़ को आप कैसे अवॉइड कर सकते हो वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ, बिकॉज आफ्टर दैट आई हैव बीन यूजिंग केमिकल एक्सफोलिएटर्स, आई हैव बीन यूजिंग पील, आई एम गोना गिव यू अ गुड ऑप्शन फॉर द पील एज वेल, इफ़ यू रियली इंटरेस्टेड इन पील देन आई एम गोना गिव यू अ गुड ऑप्शन फॉर द पील फॉर द बिगिनर विच इज़ नॉट गोना इरिटेट योर स्किन, ओके? सो द वेरी फर्स्ट थिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड वेन एवर यू आर स्टार्टिंग अ केमिकल एक्सफोलिएशन इज़ of course start with the low concentration, okay? Start with the 4% or 5%, not more than that. And if you want to avoid more you know chances of irritation, go for mild gentle acids, like you can go for mandelic acid, you can go for lactic acid, or you maybe go for polyhydroxy acids, because glycolic acid ek aisa acid hai jiske jo मॉलिक्यूलर साइज़ होता है बहुत ज़्यादा छोटा होता है, वो जैसे ही आप वो स्किन पे जाता है ना वो इमीडिएटली आपके स्किन में अंदर जाके
डीपली चला जाता है. सो उस केस में क्या होता है कि अगर आप एक ही जगह पे उसको डाल दोगे तो वहाँ पे आपको बर्न होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं. सो उसके केस में आपको सबसे पहली चीज़ क्या करनी है, यू हैव टू स्टार्ट विद द लो कॉन्सेंट्रेशन इफ़ यू स्टार्टिंग विद द ग्लाइकोलिक एसिड. ओके, जस्ट लेट्स कीप दिस वीडियो ऑन सेंट्रिक विद ग्लाइकोलिक एसिड. ठीक है, ग्लाइकोलिक एसिड पे रहते हैं हम कि उसको कैसे आपको यूज़ करना है. एंड आई थिंक दिस जो मैं अभी पॉइंट्स आपको बताने वाली हूँ, दिस थिंग गोज विद एवरी एसिड और एनी केमिकल एक्सफोलिएटर यू आर यूजिंग. ओके, एंड नाउ दैट्स माई पॉइंट्स. ओके, एंड वेन एवर यू आर यूजिंग इट, ऑलवेज यूज इट इन द नाइट टाइम. दैट सेकेंड. ओके, थर्ड, नाउ जब आपको उसको यूज़ करना है, ऑलवेज डबल क्लेंस. डोंट यूज़ इट ऑन डर्टी फेस. अगर कुछ भी दिन का अगर आपने मेकअप नहीं अप्लाई किया है, इफ़ यू यूज़ सनस्क्रीन, देन सनस्क्रीन को भी डबल क्लेंस करना ज़रूरी है, बिकॉज देयर आर फिजिकल सन ब्लॉक्स एंड मिनरल सन ब्लॉक्स होते हैं या केमिकल फिल्टर्स भी होते हैं, वो भी उतने अच्छे से एक क्लेंजर से, एक फेस वॉश से नहीं निकलते हैं. यू हैव टू डबल क्लेंज योर फेस. नाउ डबल क्लेंज आप इधर आप दो बार फेस वॉश कर सकते हो, माइसेलर वाटर देन फेस वॉश कर सकते हो, या आप क्लेंजिंग बाम, क्लेंजिंग लोशन एंड देन फेस वॉश यूज़ कर सकते हो. वट एवर वे यू प्रेफर, विच एवर प्रोडक्ट यू प्रेफर, यू कैन यूज़ दैट. ओके, वंस यू डन विद द डबल क्लेंज, उसके बाद यू हैव टू लेट द स्किन ड्राई कम्प्लीटली. ड्राई जब आपका स्किन हो जाता है, डैम्प स्किन पे आपको किसी भी केमिकल एक्सफोलिएटर को नहीं लगाना होता है, ऑलवेज अप्लाई इट ऑन ड्राई स्किन. थिंग इज कि आपको जब भी इसको अप्लाई करना है, डोंट पुट इट ऑन डायरेक्टली ऑन योर फेस, बिकॉज ग्लाइकोलिक एसिड एज आई सेड मॉलिक्यूल बहुत छोटा है, इमीडिएटली आपके स्किन में चला जाएगा. तो एक जगह पोर ना करें कभी भी, ऑलवेज टेक इट ऑन कॉटन पैड. ओके, सो आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड माई वीकली स्किन केयर रूटीन, जहाँ मैंने आपको बताया है कि हाउ आई लाइक टू एक्सफोलिएट. इफ़ यू वॉन्ट आप वो वीडियो चेक कर सकते हो. बिकॉज वंस योर फेस इज ड्राई, नाउ यू हैव टू यूज़ द ग्लाइकोलिक एसिड. ओके, अब उसको यूज़ कैसे करना है, यू कैन टेक इट ऑन कॉटन पैड. ओके, एंड देन जेंटली स्वाइप अक्रॉस. ओके, अवॉइडिंग दिस आई एंड लिप एरिया. ओके, इफ़ यू आर सेंसिटिव हेयर, लाइक यहाँ नोज के आसपास भी आपका एरिया सेंसिटिव है, देन अवॉइड दिस एरिया एज वेल, लाइक दिस, दिस एंड दिस एरिया. वंस यू डन विद दैट, नाउ यू हैव टू वेट इट एट लीस्ट फॉर 5 मिनट्स. यू कैन वेट इट अंटिल 7 or 8 मिनट्स एज वेल, बट कम से कम 5 मिनट यू हैव टू वेट. ओके, वेट करें, लेट दैट सिंक कम्प्लीटली इन टू योर स्किन, और यू कैन जस्ट टैप योर स्किन और वुड से डैब योर स्किन. वंस दैट कम्प्लीटली अब्सॉर्ब आफ्टर 5 or 7 मिनट, देन फॉलो द नेक्स्ट स्टेप. लगाना क्या है आपको उसके बाद, यू कैन यूज़ एनी सूदिंग एंड कामिंग इन्ग्रीडियंट्स, लाइक यू कैन यूज़ हाइलुरोनिक एसिड बेस्ड प्रोडक्ट, यू कैन यूज़ सेरामाइड बेस्ड प्रोडक्ट, यू कैन यूज़ एनी सूदिंग हाइड्रेटिंग इन्ग्रीडियंट्स वाला, इधर सेरम और इधर अ मॉइस्चराइजर. बट आई लाइक टू यूज़ इट, आई यूज़ कॉजरेक्स का स्नेल असेंस. ओके, स्नेल म्यूसिन असेंस, देन आई यूज़ द स्नेल क्रीम एंड आई लॉक इट विद अ 100% स्क्वालिन. नेक्स्ट डे आफ्टर केमिकल exfoliation, you have to use SPF of at least 40 or 50, which should be broad spectrum. Okay, UVA and UVB rays दोनों से आपको protect करें, वही वाला sunscreen लगाइएगा. And keep it reapplying after 2 to 3 hours if you are exposed to sun. Frequency आपको क्या रखनी है, हमेशा कोशिश करो, if you are beginner then once a week लगाओ, धीरे धीरे जब आपको लगता है कि हाँ अब आपका skin उस चीज़ को tolerate कर रहा है, then आप twice a week भी उसको कर सकते हो. And once you pro, like now it's been 2 to 3 years you have been doing chemical exfoliation, then आप उसको alternate days पे भी कर सकते हो. But in my opinion you should not exceed more than twice or thrice a week, not more than that. Okay, and one more thing which I'm quickly gonna mention is, जो मेरे साथ हुआ था, जो एसिड बर्न मुझे हुआ था, सो आई हैव प्रेस द कॉटन पैड. डोंट प्रेस द कॉटन पैड, जस्ट स्वाइप इट अक्रॉस. ओके, जब आप प्रो हो गए हो उसके बाद आप कर सकते हो, बट प्रेस करके क्या होता है कि प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छे से पेनिट्रेट करता है. सो ग्लाइकोलिक एसिड का मॉलिक्यूल ऑलरेडी इतना छोटा है कि वो अपने आप ही अंदर चला जाता है, यू डोंट नीड टू प्रेस इट. ओके, सो एक बार स्वाइप कर लिया तो इवनली स्प्रेड होता है. इट्स बेटर कि आप स्प्रे वाला कुछ यूज़ कर लो, यू नो, जिससे इवनली पूरे फेस पे स्प्रेड होता है, एक साथ एक जगह पे प्रोडक्ट नहीं जाता है. ठीक है, नाउ यू माइट बी लाइक, यू नो, आप प्रोडक्ट्स भी बता दो. ठीक है, सो प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो जो मैंने शुरू किया था, लाइक जब मैंने केमिकल एक्सफोलिएशन स्टार्ट करी थी, आई स्टार्टेड फ्रॉम द डॉक्टर शैद का गुलाब एंड ग्लाइकोलिक टोनर एंड पील.
ओके नाउ वो जो टोनर है दैट हैज 5% ऑफ ग्लाइकोलिक एसिड विच इज अ परफेक्ट कॉन्सेंट्रेशन फॉर बिगिनर्स ओके इफ यू वॉन्ट टू सी वो आप वीडियो देख लेना मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी वीडियो का यहाँ आपको मिल जाएगा ऊपर ठीक है उस वीडियो को एक बार देख लेना मैंने 1 month का केमिकल एक्सफोलिएशन किया था और वहाँ पे मैंने आपको बताया है कि कैसे कैसे यूज़ करना है और कैसे उन्होंने रिजल्ट्स दिए हैं ठीक है द टोनर इज गुड द पील इज गुड नाउ पील के अंदर 5% ग्लाइकोलिक एसिड है एंड 5% लैक्टिक एसिड है विच इज़ परफेक्ट लाइक अगर आप यू नो एक बार प्रो हो जाते हो लाइक वंस यू आर हैबिचुअल ऑफ यूजिंग ग्लाइकोलिक एसिड टोनर देन यू कैन स्टार्ट पील एज वेल नाउ व्हाट आई डू इज मैं हफ्ते में 2 बार टोनर लगाती हूँ एंड 1 दिन पील लगती है सो हफ्ते में 3 बार हो गया राइट बट इफ़ यू आर यू नो यूजिंग रेजर एज वेल एंड इफ़ यू आर यूजिंग 3 times अ वीक टोनर तो फिर पील मत करो पील कर रहे हो तो फिर यू नो टोनर का फ्रिक्वेंसी कम कर दो बिकॉज ओवर एक्सफोलिएशन से भी आपको इरिटेशन हो सकती है ठीक है ना अपार्ट फ्रॉम डॉक्टर शेथ आई वुड से कॉजरेक्स वाइट हेड एंड ब्लैक हेड वाला जो पावर लिक्विड है वो आप ट्राई कर सकते हो इफ़ यू हैव इफ़ यू फेसिंग ब्लैक हेड वाला इशू आई यूज़ वाइट हेड पावर लिक्विड एंड दैट वर्क फाइन फॉर मी वंस जो जब वो ख़त्म हो जाएगा देन आई एम डेफिनेटली गोना स्विच टू AHA BHA और मे बी BHA पावर लिक्विड दिस White head power liquid has 7% of glycolic acid, which is fine. But again, I would say it's not beginner friendly. But yes, if you are maintaining the frequency like once or twice a week, then you can start with this one as well. Okay. But if you are a person who have a very, 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 very sensitive skin type, then I would say go for Be Minimalist ka PHA toner. I have recently shared the review. Aap wo check kar lena. Bhi bahut acha hai. If you are very sensitive and if you're a beginner, go for that because that has polyhydroxy acid which have larger molecule जो easily penetrate नहीं करता है तो उससे आपको ज़्यादा you know irritation नहीं होगा तो you can start with that okay and apart from that if you don't want to use glycolic acid you can go for mandelic acid or lactic acid but I have not tried any lactic acid and mandelic acid वाला product so I cannot recommend कि कौन सा है अगर आप में से किसी ने use किया है और आप में से जो भी use करते हैं mandelic या lactic acid आप नीचे comment section में अपनी फीडबैक छोड़ दीजिएगा कि कौन सा यूज़ करते हो कितना परसेंटेज है कौन से ब्रांड का है और आप कैसे यूज़ कर सकते हो सो दैट यू नो बाकी की जो कम्युनिटी हमारी जो वॉच कर रही है उनकी भी हेल्प हो सके ठीक है सो फ्रॉम माय साइड आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट माय मनी इन दिस डर्मा कोका 30% पीलिंग सोल्यूशन एंड आई हाईली रिक्वेस्ट यू कि डोंट यूज़ इट बिकॉज इट गोना यू गोना एंड अप डैमेजिंग योर स्किन इन शॉर्ट ख़राब हो जाएगी स्किन इरिटेशन हो जाएगी अभी आपको शायद लगेगा कि हाँ अरे वाह स्किन बहुत ग्लो कर रही है बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन ऑन अ लॉन्ग रन लेटर उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं ना वो आपको दिखने लगेंगे बिकॉज 30% इज़ टू मच मैन बहुत ज़्यादा है सो प्लीज़ स्टॉप वेस्टिंग योर मनी ऑन सच प्रोडक्ट्स यू नो आई नो ऑर्डनरी का पीलिंग सोल्यूशन आता है बट दैट्स नॉट फॉर बिगिनर्स नाउ एज आई सेड ये जितनी भी पीलिंग सोल्यूशन होते हैं इतने हाई कॉन्सेंट्रेशन इज़ बेटर टू गेट इट डन अंडर अ सुपरविजन ऑफ अ डर्मेटोलॉजिस्ट ओके अगर आपको वैसा हाई वो वाला चाहिए तो यू कैन विजिट अ डर्मेटोलॉजिस्ट वहाँ पे भी वो लोग पील्स करते हैं आजकल हाइड्रा फेशियल्स चले हुए हैं जिसमें पील होते हैं तो आप वो ट्राई कर सकते हो अगर आपको ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला चाहिए बट घर पे ये पीलिंग सॉल्यूशंस एंड किसी ने कमेंट किया था कि यू नो 50% ऑफ लगा हुआ है तो हमने कहा चलो ले लें तो मतलब यू नो आप लोगों को मार्केटिंग गिमिक भी समझ में नहीं आते हैं कि अगर सोचो 600 रुपये का वो प्रोडक्ट है उसमें 50% ऑफ वो दे रहे हैं 300 रुपये में आपको हाई क्वालिटी एक यू नो पीलिंग सॉल्यूशन कैसे मिल सकता है लाइक थोड़ा सा तो दिमाग लगाया करो एनीवेज डोंट माइंड सो दैट वाज माय व्यू ऑन दिस प्रोडक्ट आई एम नॉट गोना वेस्ट माय मनी ऑन दिस एंड मैंने आपको बता दिया कि आपको कैसे मिनिमाइज करना है आई मे बी रॉन्ग इन समवेयर सो आई थिंक मैंने सारे पॉइंट्स सोच समझ के लिखे हैं बट दीज आर दी पॉइंट्स जो मैं रेगुलरली फॉलो कर रही हूँ पिछले 4-5 महीने से एंड तब से टच वुड मुझे कोई इरिटेशन नहीं हुई है आफ्टर यूजिंग ईदर पील और ग्लाइकोलिक एसिड सो या अगर आप किसी और वे में यूज़ करते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक छोड़ सकते हैं यू आर मोस्ट वेलकम सो आई होप आपको आज के इस वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प मिली है
लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना जल्दी से आके। मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।